अली की महफिल नहीं है, ये गौसे पाक की महफिल है। अदब के साथ बैठ जाएं। और मुझे ये लग रहा है कि हजरत अल्लामा मौलाना खतीब हिंदुस्तान इखलाक साहब किबला मुरादाबादी जब तकरीर के लिए आएंगे, हो सकता हो या आधे लोग चले जाएं। इतना वक्त हो चुका है, इतना वक्त ज़ाया हो चुका है। बहरहाल आप लोग बैठे रहें, मैं आपसे जो है इल्तिजा गुजारिश करूँगा। इंदौर का शायर कहता है कि अगर खिलाफ है होने दें, ये जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हजरत मोहतरम, ये शारे हिंदुस्तान आसिफ रजा कौसर मालूम है कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? बरेली शरीफ, सुन्नियों का मरकज। सुन्नियों का मरकज क्या है? बरेली शरीफ। वो बरेली शरीफ जिस मजारे मुकद्दस पर आला हजरत आराम फरमा रहे हैं, आला हजरत आराम फरमा रहे हैं। मालूम है, और आसान लबो लहजे में कर दूं कि आला हजरत की हम सुन्नी क्यों तारीफ करते हैं, क्यों तारीफ करते हैं? हम इसलिए तारीफ नहीं करते हैं कि बरेली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं इसलिए तारीफ नहीं करता हूँ, वहां की मार्केटें बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं आला हजरत की इसलिए तारीफ करता हूँ क्योंकि आला हजरत ने जब भी कलम उठाया अपने बाप की तारीफ के लिए नहीं बल्कि नबी की तारीफ के लिए कलम उठाया। नबी की तारीफ के लिए कलम उठाया। उस आला हजरत की शख्सियत का नाम है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। हमारा अकीदा कहता है कि किसी को जमाने की हुकूमत मिली। स्टेट पर जलवागर खतीबे हिंदुस्तान कातई कुफर नजदियत हजरत अल्लाम मौलाना मुहिद साहब किबला और उन्हीं के साथ साथ हिंदुस्तान का वो शायर जिसे दुनिया इस्लाम निज़ामी पहली के नाम से जानी पहचानती है, और हमारे गांव के वो शायर जिसे दुनिया सीतापुर के नाम से जानती है, जिन्हें शायर हिंदुस्तान गुलाम मुर्सलीन साहब किबला। हजरत मोहतरम कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रूबरू होंगे। हमारा अकीदा कहता है कि किसी को जमाने की हुकूमत मिली है। एक इमामत की हैसियत से हमारे अराकीन कमेटी ने निजामत के लिए खड़ा कर दिया। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन सबने मोहब्बत से खड़ा करा तो मैं खड़ा हो गया। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा क्या कहता है कि किसी को जमाने की हुकूमत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं, मुझे तो आला हजरत की निस्बत मिली है। मुझे तो आला हजरत की निस्बत मिली है। और आसिफ रजा कौसर बरेली शरीफ लोगों को पैगाम दे रहे थे कि जीते जी ये काम कर दूंगा, ये जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, और जो भी दुश्मन है आला हजरत का उसका जीना हराम कर दूंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये रोजाना इमाम के इमाम ही तो हैं, रोज सुनते रहते हैं। अगर ये मैं अशार कहीं दूसरी जगह पड़ा होता तो एक बार नहीं लोग 5 बार सुनते, लेकिन बहरहाल इससे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं। और हमारे आसिफ रजा कौसर ने जश्न आमदे रसूल के तालिक से, अभी बड़ा मुबारक महीना गुजर चुका है, मैं गुजारिश करता हूँ, माजरत चाहता हूँ, और शार हिंदुस्तान गुलाम मुर्सलीन को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। और आज जो मैंने अशार लिखे, महीना जो गुजर चुका है जश्न आमदे रसूल का, बड़ा अफजल महीना था, लेकिन शायर कहता है कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रही। मैं अराकीन कमेटी से गुजारिश करूंगा, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग जरूर लब्बैक या रसूलल्लाह करें। सुने कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रही है। आसिफ रजा कौसर से आशार सुने, मुझसे निजामत की हैसियत से सुने कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते ताई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत है, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में
आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। इसी कीमती वक्त में आए शारे हिंदुस्तान गुलाम मुर्सलीन का नारे इस्तकबाल से कर लें, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई तारे बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर बनता नहीं वैसा जैसा तू बना।